उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में बीते 48 घंटों में 42 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले बच्चों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हां, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पीके सिंह ने खुद ये आंकड़े बताए हैं, जिसमें बीआरडी अस्पताल में 27 और 28 अगस्त के दौरान 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें इंसेफेलाइटिस से 7, एनआईसीयू में 10 और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 8 बच्चे थे। डॉक्टर पीके सिंह के मुताबिक इन दिनों अस्पताल में बड़ी संख्या में बीमार बच्चे आ रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन और दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बच्चों की सेहत अस्पताल आने तक इतनी बिगड़ चुकी होती है कि डॉक्टर पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचा नहीं पा रहे। इतना ही नहीं बल्कि गोरखपुर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हर साल हालात इतने ही खराब होते हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले गोरखपुर के इसी अस्पताल में 10 से 12 अगस्त के बीच ऑक्सीजन की कमी होने से 36 बच्चों की मौत हो चुकी थी। हालांकि राज्य सरकार इस बात से इनकार करती आई है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।